साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे जो नया पार्ट करने वाले हैं वो सेल्फ सिग्नलिंग का ही पार्ट टू है। बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और अपनी एनहांस करेंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी ये बता चुका हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन का, कि कैसे कैसे मेथड होते हैं उसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली फोर टाइप्स होते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, जस्टाक्राइन। तो अगर हम इसको इलेबोरेट करके पढ़ते हैं तो ऑटोक्राइन सिग्नल टारगेट द सेल इटसेल्फ। अगर कोई एक सिंगल सेल अपने को ही खुद को टारगेट करती है, अपने मतलब उस सेल से निकला हुआ मॉलिक्यूल अपने ही सेल्स पर इफेक्ट करता है या उसको इनहेंस करता है या इनिबिट करता है, तो ऐसे टाइप के सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल होते हैं वो इम्यून सेल्स होती हैं। पैराक्राइन क्या होता है, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो अपनी नियर बाई सेल्स को इफेक्ट करती हैं, जैसे आपके न्यूरो ट्रांसमीटर हो जाते हैं। एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो डिस्टेंट ऑर्गन्स पे या डिस्टेंट सेल्स पे वो अपना इफेक्ट दिखाती है। बेसिकली एंडोक्राइन की जहाँ भी बात आएगी आपको ये याद रखना होगा कि एंडोक्राइन सेल्स जो होती है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। और जक्स्टाक्राइन जो होती है वो मतलब सेल जब कॉन्टेक्ट में आती है एक दूसरे की, तो सेल्स जो सिग्नलिंग होती है उसको हम जक्स्टाक्राइन कहते हैं। दीज सिग्नल आर ट्रांसमिटेड अलॉन्ग सेल मेम्ब्रेन वाया प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन एंड आर कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग आइदर द एमिटिंग सेल्स और सेल इमीडिएटली एट सेल। इट्स मीन्स कि वो जो होते हैं वो अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जो कि सेल्स में जो सेल के मेम्ब्रेन पर ही सिग्नल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स होती है जो रिसेप्टर्स होते हैं, और वो अपना इमीडिएट इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इस एक प्रोसेस है जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस में दिखाया है कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है। बेसिकली यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर है। रिसेप्टर को हमेशा याद रखेंगे कि रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से कोई भी एक कोई भी सेल्स के जो सिग्नल्स हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और जाके उसी सेल्स पर जाके बाइंड कर जाते हैं, तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। और ये जो सिग्नलिंग होती है वो इम्यून सेल्स और ग्रोथ फैक्टर, ये इसके एग्जांपल हैं, तो ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की, जो कि दो सेल्स होती हैं, जो कि एक एक सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वो जाके नियर बाई सेल्स पर जाके वो बाइंड होता है और फर्दर अपनी प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो आप जो इसका एग्जांपल है, जैसे नर्व की सेल्स होती है या नर्व मसल सेल्स होती है या कुछ साइटोकाइंस जो होते हैं वो पैराक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। देन फिर आपका एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स जो कि अपने ब्लड वेसल्स में अपने हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो कि डिस्टेंट टारगेट सेल्स पर जाकर वो बाइंड करती हैं और अपना इफेक्ट दिखाती हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा इसके जो एग्जांपल्स होते हैं पेप्टाइड होते हैं और स्टेराइड हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं और स्टेराइड रिसेप्टर जो होते हैं, जो कि आपको पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है, तो स्टेराइड मॉलिक्यूल्स उसमें ईजिली सॉल्युबल होते हैं और वो सेल्स के अंदर आसानी से चले जाते हैं। लेकिन जो पेप्टाइड हार्मोन्स या पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनके रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सिग्नलिंग है वो है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इस सिग्नलिंग में क्या होता है कि दो सेल्स जो होती है वो एक दूसरे के एकदम कॉन्टेक्ट में आती है और कॉन्टेक्ट में आती हैं और एक सेल्स जो होती है वो दूसरे सेल्स को मतलब इसका जो एग्जांपल है वो नॉच सिग्नलिंग है। अगर आप नॉच डेल्टा सिग्नलिंग में आपको मैं फर्दर जो वीडियोस अपलोड होंगे वहाँ पे मैं डिटेल में इसको कवर करूँगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई एक सेल्स है उसने बोला कि बेसिकली ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखने को मिलता है, जहाँ पर अगर कोई सेल्स को कोई एक पर्टिकुलर लीनियज में जाना है और सामने वाली सेल्स को उसको इनिबिट करना है कि आप उस लीनियज में नहीं जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक सेल्स जो होती है वो ऐसे प्रोटीन या ऐसे मॉलिक्यूल को सिक्रीट करती है जो सामने वाली सेल्स पर जाके बाइंड होता है और वो उसको सिग्नल देता है कि अब आपको फर्दर उस सेल्स पे कन्वर्ट नहीं होना है। तो ये जो सिग्नलिंग होती है ये नॉच सिग्नलिंग है। यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से इन सब चीज़ों को मैंने क्लासिफाई करके अलग अलग दिखाया है, तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा और ये आपको कहीं ना कहीं किसी भी रूप में एग्जाम में ही आपको मिल सकते हैं।
और ये जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का जो एग्जांपल नॉच सिग्नलिंग है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। फिर हम देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग की एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल है। सेल्स जैसे मैंने बताया कि आपके लिपिड बाइलेयर्स के बने होते हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर लगा होगा, कोई भी आपका सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा जिसको हम स्टिमली बोलते हैं, वो आके उस पर बाइंड करेगा, जिससे ट्रांसड्यूसर का मतलब जो उसके रिसेप्टर के बाइंड करने के बाद उसके सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं और आगे आगे जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, कुछ मैसेंजर्स की आवश्यकता होती है जो उस सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जाके वो सेल पर अपना सेलुलर रिस्पॉन्स देता है। अब हो सकता है कि जो आपका सिग्नल है वो फर्टिलाइजेशन के लिए था, या सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कॉन्ट्रैक्शन, या किसी भी प्रोसेस के लिए हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म का एक आप जनरल ओवरव्यू आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली सेल सिग्नलिंग में होता क्या है। अब हम नेक्स्ट तरफ बात करते हैं, एक और यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, जैसे अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें, बेसिकली जो आपके जो पहला मॉलिक्यूल आके सेल की सरफेस पे बाइंड करता है उसको हम फर्स्ट मैसेंजर बोलते हैं, जो कि आपके कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, ट्रांसमीटर हो सकता है, या हार्मोन्स हो सकते हैं। अब जब वो सेल्स की सर्फेस पे बाइंड करते हैं, अगर वो अंदर नहीं आ सकते हैं या कुछ भी ऐसे होते हैं कि उनको फर्दर अपनी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। बेसिकली जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो आपके प्रोटीन काइनेज होते हैं, तो इस तरीके से ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। कुछ ट्रांसमीटर जो होते हैं वो आयन चैनल से सीधा क्रॉस करते हैं, इस तरीके से वो सेल्स के अंदर इंटर करते हैं और फर्दर mRNA सिंथेसिस या न्यूक्लियस में जाके वो बाइंड करते हैं और फर्दर अपनी प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, जैसे हार्मोन्स होंगे, स्टेराइड होंगे या थायराइड होंगे, तो स्टेराइड जो कि लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, तो ये जाके सीधा सेल के अंदर जाके इनका इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है जहाँ पे वो जाके बाइंड करते हैं। थायराइड का मैंने वहाँ पे नोट डाउन कराया था, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, थायराइड का जो रिसेप्टर होता है वो सीधा न्यूक्लियस में होता है सेल्स के अंदर, और फर्दर ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस या जो भी प्रोसेस है उस पर वो अपना इफेक्ट डालते हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक जनरल ओवरव्यू है, बाकी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे पाथवेज अगर आपने पढ़ेंगे या आने वाले वीडियोस में मैं अपडेट करूंगा, तो वहाँ पे ये आपको स्टोरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए आपको केवल इतना जानना है, सेल्स में इस तरीके से आप फर्स्ट मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर, ये दो तरीके के होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो सीधा क्रॉस करके अंदर जाएंगे और अपने इफेक्टर फंक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सिग्नल का रिकग्नाइजेशन होता है, जहाँ पे आपका लिगेंड बाइंड करता है, सेल जो होती है वो उसके कॉन्टेक्ट में आती है। फिर क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है जो कि ट्रांसफर ऑफ सिग्नल टू ए सेल के इंटीरियर में होता है, मॉड्यूलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज। तो बेसिकली बहुत सारे प्रोटीन काइनेज होते हैं जो एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करते हैं और सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं। बट आप सिग्नलिंग में आप ये भी देखेंगे कि जब कोई ये हमेशा नहीं होती है, अगर आप एक बात और भी नोटिस करेंगे तो जो सेल सिग्नलिंग की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है या सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है वो स्विच ऑन एंड ऑफ, हमेशा वो एक्टिव नहीं होते हैं। जब उनको ग्रोथ कराना होता है वो एक्टिव होते हैं और फर्दर वो अपना प्रोसेस करने के बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप कोई मॉलिक्यूल या कोई प्रोटीन फॉस्फेट लगने के बाद वो एक्टिव हो रहा है, और फॉस्फेट लगाएगा कौन, तो काइनेज एंजाइम लगाते हैं, तो फॉस्फेट के रिमूव होने के बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इसके बाद रिस्पॉन्स आता है जो कि फर्दर सेल्स जिस चीज़ के लिए वहाँ पे सिग्नल आया था उसका आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बेसिकली मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्टर एक्टिविटी एंड फर्दर जो भी प्रोसेस होता है वो अपना कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जैसे मैंने अभी अपने पहले भी बता चुका हूँ, आपको ये याद रखना है, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन या लोकेटेड विद इन द सेल, सेल के अंदर भी हो सकते हैं। रिसेप्टर रिकॉग्नाइज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाय बाइंडिंग टू देम, बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर बाय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिससे आपका क्या होता है, फर्दर सेल के बिहेवियर में चेंज आता है। मीन्स अगर सेल को प्रोलिफरेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, एपोप्टोसिस में जाना है, जो भी उसको सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा वो वैसा ही अपना इफेक्ट करेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ सेल्स के इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जैसे ये तो आपको पता ही है कि सेल सरफेस पे रिसेप्टर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उनके रिसेप्टर पाए जाते हैं। बेसिकली जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके उस पर बाइट करते हैं। और
बाइंड करते हैं और अपना प्रोसेस करते हैं, बेसिकली जो भी आपके प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और जो इंट्रासेलुलर होते हैं जैसे आपके स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन में ईजिली वहाँ पे अंदर जा सकते हैं, और वो जाएंगे और अपना रिसेप्टर जो कि उनके सेल के अंदर भी हो सकता है और न्यूक्लियस में भी हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे, और वो अपना फर्दर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन लिगिन एंड रिसेप्टर कॉज द जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। तो जब सेल सरफेस पे कोई ये हार्मोन्स बाइंड करेगा इसको हम फर्स्ट मैसेंजर बोलेंगे, आप याद रखेंगे, जिससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अंदर के एक्टिवेट होंगे और सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं जो अपना इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि आप अभी के लिए केवल आप कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के नाम को मेमोराइज करेंगे, बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं जब पूरे पाथवे को एक एक पाथवे को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा साइक्लिक एएमपी जो होता है वो एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है, इसके अलावा एनो नाइट्रस ऑक्साइड है, ग्वानिल साइक्लेज होते हैं, बहुत सारे फास्फोलाइपेज होते हैं, और इसके अलावा PIP3, IP3 और टैग, ये तो आपको याद ही रखना है जो कि कैल्शियम के रिसेप्टर को ओपन करते हैं। तो फर्दर आने वाले वीडियोज़ में हम इन सब बातों को और अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी के लिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो थी जो कि सेल सिग्नलिंग का बेसिक पार्ट सेकेंड था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।